हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका सक्षम योजना की एक और बिल्कुल नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो का लाइक भी 700 लाइक का टारगेट है, प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों सबसे पहला जो कमेंट आया साहिल जी का, सेकंड कमेंट आया रोहित जी का, थर्ड आया आबिद हुसैन जी का और फोर्थ आया रोहित का और विशाल जी का बोला फिफ्थ कमेंट। अब बात करते हैं जो आज का एक लेटेस्ट अपडेट आई है, आप लोगों को भी बताना जरूरी है। जैसे कि इस भाई विशाल जी ने पूछा, विकास कम्बोज जी ने, सर मैंने पानीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं और मेरे पास 10 जनवरी को डेट को काम का मैसेज आया था और मुझे पता नहीं चला था, इसलिए मेरी आईडी पर सस्पेंड लिखा आ गया था। हाँ जी आना था ये तो। फिर मेरे पास 11 फरवरी डेट को काम का मैसेज आया और फिर मैंने रिपोर्टिंग करके वर्क स्टार्ट कर दिया और मेरी आईडी पर अप्रूव लिखा आ गया। आईडी ठीक होनी थी भाई, सही बात है, लेकिन अभी तक मेरा वर्क जनवरी फरवरी का अलाउंस नहीं आया है, ये आएगा या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना। सर देखो अभी देते हैं रिप्लाई, ये है जो कि स्क्रीनशॉट सेंड किया है, एक एक डिस्कशन करते हैं। ये देखो मार्च चल रहा है, ये अभी तक जीरो पेंडिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीरो आएंगे, नहीं, यहाँ पर आपके 1500 रुपये आएंगे डेफिनेटली, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी ये है पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, आपकी वेरिफिकेशन हो रही है पेंडिंग, नोट अपलोडेड येट, अभी तक अपलोड नहीं किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जीरो की जगह 1500 ही आएंगे, ये वाली जीरो की जगह यहाँ पर ऐसे 1500 लिखे आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नीचे की जो कि बोल रहे हैं। ये देखो सबसे पहले बता देता हूँ, ये पेंडिंग इन एड वेरिफिकेशन और पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, 13 दिन की आपने 100 घंटे अटेंडेंस भर दी और 100 घंटे आपके अटेंडेंस अप्रूव भी हो गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑनरेरियम जीरो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 100 हो जाएगा, थोड़ा वेट करो, क्योंकि 100 आवर और 100 आवर यहाँ पर चढ़ा हुआ दिखाई दे गया है, लेकिन यहाँ पर जीरो, अगर वो वैसे होती तो यहाँ पर 0 आवर होता है, लेकिन 100 100 है तो यहाँ पर जो ऑनरेरी है वो 6000 हो जाएगा, थोड़ा वेट करो। यहाँ पर भी साइड में कट रहा, इमेज पूरी नहीं आई, यहाँ पर भी ऐसे लिखा है कि नोट अपलोड इडियट, सेम जैसे कि ऐसे यहाँ पर ये लिख रखा है नोट अपलोड इडियट, ये अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। आपने देखो कि जनवरी को आप जनवरी में सस्पेंड कर दिए गए थे, आप देखो कि जनवरी में सस्पेंड कर देगी, आपने रिपोर्टिंग नहीं की, आप देख सकते हैं कि रेड डिडक्शन में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपको पानीपत में आपको वर्क मिला था। द एप्लीकेंट अलाउंस सस्पेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट पानीपत ऑन 27 जनवरी को आपको कर दिया गया था, आप देख सकते हैं 27 जनवरी को कर दिया गया था। इसका मतलब जनवरी का आपका अलाउंस नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपका जनवरी का अलाउंस आया और फरवरी का भी आया, आप देख सकते हैं अपलोड भी कर दिया गया, तो आप टेंशन मतलब मार्च में तो अब तो आप ओके हो, अब तो आपका डेफिनेटली आएगा, 100% आपका अपलोड कर दिया जाएगा, थोड़ा वेट करो। अभी तक किसी का अपलोड किया नहीं गया है, जैसे अपलोड किया जाएगा मैं वीडियो बना करके जरूर बताऊंगा विशाल जी, ठीक है। और अभी रिमार्क्स आप चेक कर लो, रिमार्क्स में मतलब आपको सस्पेंड का क्या जो रीज़न दिया था, कैंडिडेट फेल्ड टू रिपोर्ट फॉर असाइंड सो द कैंडिडेट अलाउंस इज सस्पेंडेड, आपने रिपोर्ट नहीं की या फिर ऑनलाइन जो लेटर निकालते हैं वो आपने नहीं निकाला, इसलिए उन्होंने बोल दिया रिपोर्ट नहीं की आपने, इसलिए हमने कैंडिडेट का अलाउंस सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। और अलाउंस सस्पेंड होती है नेक्स्ट मंथ आपके पास काम का मैसेज आ गया, अगर सस्पेंड होता तो, इसलिए वो आपका दोबारा फिर से स्टार्ट हो गया, 10 दिन के सस्पेंड हुआ, 10 दिन का वो फिर 20 दिन मैक्सिमम हो गए, तो 10 से 10 कट के 10 ज़्यादा फालतू दिन हो गए, इसलिए आपको वो पूरे मंथ का अपलोड कर दिया जाता है, समझ आई बात। चलिए अब बात करते हैं, अब इसके पीछे कुछ रह गया क्या, ये देखो आपको काम मिला हुआ है, एप्लीकेंट वर्किंग कंप्लीट और करंट असाइनमेंट 30 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल तक, अप्रैल मतलब अभी अप्रैल चल रहा है, मतलब इस मंथ आपको काम मिला हुआ है, आप टेंशन मत लो। आप यहाँ पर देख सकते हो 11 फरवरी को आपके पास काम का मैसेज आया था, 30 आपके पास लास्ट डेट दिखाई गई है 30 अप्रैल 2020, और 12 फरवरी तक शायद लास्ट डेट थी और आप बहुत ही जल्दी पहुँच गए, आपने बहुत ही बहादुरी दिखाई, इसलिए आप बच गए वरना आप डिबार्ड हो जाते। तो दोस्तों ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी, आप नीचे भी देख सकते हैं कि 13 दिन की 100 आवर अटेंडेंस हो चुकी है और आवर्स अप्रूव्ड, यहाँ पर भी अप्रूव्ड है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ये जो अटेंडेंस है ये मार्च की है, आगे जो आएगी ये मार्च की है, मार्च की जाके लगेगी अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में जाके लगेगी, अब वेरीफाई होगी, सॉरी, ठीक है, मार्च के अप्रैल में वेरीफाई होगी, हो जाएगी, टेंशन मत लेना, ये सारी हो जाएगी। तो अभी फरवरी का पेंडिंग है, फिर फरवरी मार्च की भी होनी है, अप्रैल की भी, आप सभी अपने सारे बत्ते आ जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। इसलिए आप बीच में वो क्या हो गया था
कि आप बीच में वो हो जाते ना सस्पेंड हो गए थे, इसकी एक वजह से थोड़ा काम लेट चल रहा है आपका। आप टेंशन मत लो, आपने जो काम किया आपकी अप्रूव नीचे लिखी हुई है बकायदा, आप देख सकते हैं कि 100 आवर अप्रूव्ड, तो आपकी अप्रूव हो चुकी है, बस बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट। अब आपको पता ही है, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन आई हुई ना, उसके वजह से कम बंदे काम कर रहे हैं, उस वजह से थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन आपके पैसे जल्दी खाते में आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो एक और आएगी 16 से पहले, तो वो वीडियो आपके पास आ चुकी है, अहम जानकारी मैंने आपको दे दी है। क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारी, मतलब हर बच्चा हर किसी का आईडी खोलकर नहीं देख सकता कि उसकी आईडी में क्या कुछ नया है, उसकी आईडी में क्या कुछ नया है। इसलिए अपने पास यूट्यूब के जरिए बहुत सारे बच्चे मेल कर देते हैं कि देखो ये कुछ नया है, तो हम सभी बच्चों को दिखा सकते हैं कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है, उससे आप सावधान होने के लिए आप ऐसा करें, उससे बचने के लिए आप ऐसा करें। तो दोस्तों सभी अवेयर हो जाएं उससे, ताकि किसी का भत्ता ना कटे। हर बच्चे के मंथली खाते में 1500, 3000 या 900 रुपये आते रहें, अगर काम करेगा तो 7500, 6900 और 9000 रुपये आते रहें। हमारा बस यही काम है कि बच्चों को बस टाइम टाइम भत्ता मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, बाय बाय।